एक बार एक लकड़हारा खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी उसने देखा कि एक बिना पैरों की लोमड़ी वहाँ पड़ी हुई है। उसे देखकर मन ही मन उसने सोचा कि आखिर इस हालत में जिंदा कैसे है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। वो लकड़हारा भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे भी खाने के लिए थोड़ा सा मांस का टुकड़ा दे दिया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है, लकड़हारा बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ, शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। अरे इसका मतलब भगवान है, उस लकड़हारे ने अपने आप से कहा कि वो जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर ही देता है, तो आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ऐसा सोचते हुए वो वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजरे, लेकिन उस लकड़हारे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए, जो लकड़हारा था वो बहुत कमज़ोर हो गया। तब एक महात्मा उधर से गुजरे। लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा हंसकर बोले, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं? तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो शेर बनना, लोमड़ी नहीं। ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके सामने लगातार लाते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।